गुड मॉर्निंग सनरेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग बीते वीडियो में हैंड हेमर के बारे में जो पढ़े थे, कुछ अभी भी हेमर बच्चा है उसको हम लोग आज के वीडियो में पूरा करते हैं। तो आज का पहला जो हेमर रहेगा सॉफ्ट हेमर। सॉफ्ट हेमर का ही वर्गीकरण होता है। सॉफ्ट हेमर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, सॉफ्ट हेमर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट हेमर किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। जब हमें किसी कार्यखंड पर कार्य करते हैं या किसी वस्तु को चोट मारते हैं, आघात मारते हैं, तो उसी सतह पर निशान न आए तो उस प्रकार के हेमर को क्या कहते हैं, सॉफ्ट हेमर कहते हैं या सॉफ्ट हेमर का प्रयोग करना चाहिए। सॉफ्ट हेमर धक्का सहन कर लेती है क्योंकि कार्यखंड की धातु से अधिक कठोर नहीं होते हैं। जो जब रहता है, जब से मतलब वो क्या होता है, मुलायम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट हेमर का प्रयोग करते हैं और कार्यखंड पर चोट मारने से चिन्हित नहीं होता है। जैसे जैसे लकड़ी, तांबा, प्लास्टिक, नायलोन, कच्चा चमड़ा, कठोर रबड़ आदि, या बेयरिंग को चढ़ाने या उतारने में, तैयार माल को असेंबली करने में, इसी प्रकार अन्य कार्यों में होता है सॉफ्ट हेमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रकार जानेंगे हम लोग कितना प्रकार होता है। सॉफ्ट हेमर का प्रकार चार प्रकार का होता है। क्या क्या? रो हाइड हेमर, जिसको बोलते हैं कच्चे चमड़े का हेमर। दूसरा मेलेट हेमर। तीसरा नायलॉन हेमर। चौथा प्लास्टिक हेमर। ये चार प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग कच्चे चमड़े यानी रो हाइड हेमर को जानेंगे कि इस हेमर का कहाँ पर प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है और किस टाइप का बना होता है। इसको इस्पात द्वारा डबल फेस हेमर के समान बनाया जाता है। इसके पश्चात दोनों सतहों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। इस प्रकार के हेमर को क्या कहते हैं, रोहाइड हेमर कहते हैं। इसको अगर आकृति के अनुसार देखेंगे तो एक हैंडल रहता है और पूरा स्टील का बॉडी रहता है और दोनों फेस पर क्या रहता है, रोहाइड रहता है, यानी कच्चे चमड़े रहते उसमें चढ़ा दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है ताकि चोट मारने के समय किसी तरह का निशान नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की हेमर को क्या कहते हैं, रोहाइड हेमर कहते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे मेलेट हेमर। मेलेट हेमर एग्जाम में या किसी भी परीक्षा में अक्सर आता है, या AIIT परीक्षा में भी इस तरह का मेलेट हेमर के बारे में अक्सर पूछते रहता है क्योंकि बहुत ही क्या है, प्रचलित नाम से इसको जान जाते हैं लेकिन टेक्निकल भाषा में दूसरे नाम से जान जाते हैं। जैसे मेलेट हेमर ये लकड़ी, इसको टेक्निकल भाषा में जानेंगे मेलेट हेमर, लेकिन इसको चलती फिरती अपना घरेलू या क्षेत्रीय भाषा के नाम से आधा पर जानेंगे इसको लकड़ी के हेमर। तो इसको बोलते लकड़ी के हेमर को ही मेलेट हेमर बोलते हैं। देखिए मेलेट हेमर का डिफिनेशन ये परिभाषा, लकड़ी द्वारा बने हेमर को मेलेट हेमर कहते हैं। लकड़ी द्वारा बने हेमर को क्या कहते हैं, मेलेट हेमर कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर शीट मेटल के लिए होता है। साधारण शीशम, इमली, कीकर, टीक या कोई अन्य कठोर लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल ये सब लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं, मेलेट हेमर का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं इसको हम लोग हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। इसको चित्र देखेंगे, देखिए एक हैंडल रहता है और वुडन बॉडी रहता है, पूरा मतलब लकड़ी का बॉडी रहता है और दोनों इसका फेस जो रहता है, मतलब हेमर का दोनों फेस, दोनों सिरे का जो फेस होता है बिल्कुल चपटा होता है, बिल्कुल क्या होता है, चपटा होता है।
इस प्रकार के हेमार को क्या कहते हैं, मेलेट हेमार कहते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसको हम लोग नायलन हेमार। नायलन हेमार किसे कहते हैं, नायलन एक चिम्मड़ पेट्रोलियम पदार्थ है जो काफी धक्का सहन करने की शक्ति रखता है। एक लोहे के हथेड़े में दोनों तरफ नायलन के पेट कस दिए जाते हैं। इस हेमार से चोट मारने फिर निशान नहीं पड़ता है। इसका उपयोग अच्छे टूल रूम, एरोनॉटिक शॉप आदि क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के हेमार को क्या कहते हैं, नायलॉन हेमार कहते हैं। इसका आकृति देखेंगे तो हैंडल रहता है, स्टील बॉडी रहता है और नायलॉन पैड्स रहता है, यानी दोनों सिरे इसमें भी क्या फेस चपटा होता है और नायलॉन का मतलब पेड लगा हुआ रहता है। और चोट मारने से क्या होता है, ये आपका कार्यकर्ण का निशान नहीं बनता है, कार्यकर्ण में निशान नहीं बनता है, है ना। यानी अगर हम लोग किसी भी जब को चोट मारेंगे, कार्यकर्ण को चोट मारेंगे, निशान या स्क्रैच होने से क्या होता है, वो आप खराब स्थिति पर चल जाता है, उसको स्क्रैप में हम लोग डाल देते हैं, यानी आपका उसमें कंपनी का नुकसान होती है, ठीक है। तो इस हेमार से चोट मारने से क्या होता है, आपका खराब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे प्लास्टिक हेमार, चार नंबर, यानी सॉफ्ट हेमार का जो चार प्रकार है उसका अंतिम हम लोग क्या कर रहे हैं, पाट रहे हैं, लास्ट वाला। यह भी नायलॉन हेमार के समान लोहे के बॉडी का बना होता है तथा दोनों सिरों पर प्लास्टिक के पेड या रबड़ के पेड के फिट कर दिए जाते हैं, जिससे कार्यक्षण की सतह पर निशान नहीं पड़ता है। हल्की चोट मारने के लिए हेमार का प्रयोग किया जाता है। इसको हल्की चोट मारने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक हेमार का प्रयोग करते हैं और कार्यक्षण पर चोट मारने के बाद, ये चोट मारने के उपरांत निशान नहीं बनता है, नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक हेमार कहते हैं। अब बिल्कुल प्लास्टिक हेमार और नायलॉन हेमार एक ही जैसा बना होता है और एक दूसरे का आपस में उस नाम जानते हैं। जैसे कि अगर नायलॉन हेमार, अगर बोलेंगे किससे कहते हैं, यानी नायलॉन हेमार प्लास्टिक हेमार को ही नायलॉन हेमार की तरह बना होता है, उसी टाइप का सब कुछ रहता है, यानी उसी नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हेमार को क्या कहते हैं, प्लास्टिक हेमार कहते हैं। चलिए, ये आपका हैंड हेमार का जो प्रकार होता है, बिल्कुल सारा चीज हम लोग जितने प्रकार होता है सब पढ़ लिए। और हेमार जो होता है, हेमार कितने प्रकार होता है, दो प्रकार होता है, क्या क्या, एक हैंड हेमार होता है और एक स्लेज हेमार होता है। तो हम लोग स्लेज हेमार के मतलब वर्गीकरण जानेंगे, स्लेज हेमार किससे कहते हैं, इसमें प्रकार होता है कि नहीं होता वो भी जानेंगे, स्लेज हेमार किससे कहते हैं, किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, कितने वजन होता है, कितने वजन से कितने वजन तक यह हेमार पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल्स हम लोग अब जानेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे कि मेलेट, सॉरी, ये स्लेज हेमार किससे कहते हैं, ठीक है। यह हेमार भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, भारी कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेलेट, स्लेज हेमार का प्रयोग करते हैं। अधिकतर लोहकारी शॉप में धातु को पीटने या फोर्ज करने जैसे कार्यों में स्लेज हेमार का प्रयोग किया जाता है। ये भारी चोट मारकर डाई द्रव फ्लेट एंगल आदि को काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका इस क्षेत्र में कहाँ पर, लोहकारी शॉप में और फोर्ज करने में और भारी चोट मारकर डाई द्रव फ्लेट करने में, या अक्सर हम लोग अपना घरेलू क्षेत्र में, जैसे कि अपना कोई कुछ कुछ चीज़ होता है कि अक्सर हम लोग किसी लोहकारी के पास ले जाकर हम लोग एक धार बनाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, है ना, कुल्हाड़ी हो गया, गैंता हो गया, इस तरह का, है ना, दा हो गया जिसको हम दावली बोलते हैं, इस तरह का बहुत सारा है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लोहकारी के पास जो मतलब कर्मकार लोग जो काम करता है उस मतलब ये जा उसका घर ले जाकर उसके भट्टी में ये करता है, गर्म करता है, हीट करता है, उसके बाद उसको स्लेज हेमार का प्रयोग करके उसको धार बनाता है। तो इसको हम लोग जानेंगे वजन के हिसाब से, स्लेज हेमार हम लोग वजन के हिसाब से इसको पहचानेंगे, ठीक है। ये हम लोग पहले बहुत चर्चा किए हैं कि कोई भी टूल्स औजार आपको एक सटीकता होना चाहिए कि कौन सा टूल्स किस जगह में किस क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई चीज़ को मापना है, उस समय हम लोग हेमार लेके गए हैं, तो क्या बिल्कुल आप उस कार्य को आप पूरा कर सकते हैं, क्या बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमेशा आपको मान लीजिए आपको फाइलिंग करना है, तो फाइल का ही वर्गीकरण होता है,
ठीक है। तो हम लोग स्मूथ फाइल जहाँ पर प्रयोग है वहाँ पर हम लोग रफ फाइल लेके गए हैं, जहाँ पर मुझे मिलेट हेमर का आवश्यकता है वहाँ पर हम स्लेज हेमर लेके गए हैं। देखिए आपका काम पूरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल कोई भी कार्य मतलब आपको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से एक्यूरेसी मतलब बनाने के लिए एक्यूरेसी उसको हर चीज़ में उसको बनाने के लिए आपको सटीक आपका औजार की आवश्यकता होता है। जब तक सटीक औजार आप पहचान नहीं सकते हैं तब सटीक औजार आप प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आप सटीक या एक्यूरेसी जब आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल आप नहीं बना सकते हैं। तो जैसे देखिए स्लेज हेमर का वजन जाने का कितना मतलब कम से कम कितना किलो तक तो पाया जाता है स्लेज हेमर, अधिक से अधिक कितना किलो तक तो पाया जाता है। तो स्लेज हेमर 2 किलो से लेकर मतलब 2 किलो शुरुआत करके आपका 10 किलो वजन तक पाए जाते हैं स्लेज हेमर। क्या 2 किलो से लेकर आपको 10 किलो तक मतलब स्लेज हेमर पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस हेमर का क्या करते हैं हम लोग भारी कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, किसी मतलब डाक को फ्लैट बनाने के लिए, फोर्जिंग करने के लिए, काटने के लिए, है ना, या कोई धातु गर्म करके हीट करके उसको फैलाने के लिए हम लोग स्लेज हेमर करते हैं। देख अक्सर हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग घर में यूज करते हैं लोहे वाला जैसे कढ़ाई, देखिए हम लोग देखिए ये शादी ब्याह में भी हम लोग उसे लोहे का जो कढ़ाई जो रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें करते हैं इस तरह का हेमर का प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग उसे बार बार चोट मार मार के क्या करते हैं उसको हम लोग धातु को फैलाते हैं और एक कढ़ाई का रूप देते हैं। क्या करते हैं कढ़ाई का रूप देते हैं। तो इस तरह का मतलब भारी कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं स्लेज हेमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग सावधानी जानेंगे क्योंकि हम लोग हेमर का जो प्रकार होता है स्लेज हेमर भी पढ़ लिए और हैंड हेमर का पढ़ लिए। अब इसको हम लोग सावधानियाँ थोड़ा प्रिकॉशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग हथौड़ा का प्रयोग कार्य के अनुसार करना चाहिए। बिल्कुल सही आपका ये है कि आपका पहले ही बताए हैं कि जहाँ कील निचोड़ने का आपका आवश्यकता है उसमें उस जगह हम लोग स्लेज हेमर लेके गए हैं। क्या आप उन कील को निचोड़ लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, उस जगह में आपको कोलो हेमर की आवश्यकता है तो कोलो हेमर ही आपका वहाँ पर ले जाना होगा। तब जाके आप किसी जगह में अगर कील गड़ा हुआ है तो उसको आप मतलब कोलो हेमर का यूज करके उस जगह से आप कील को निचोड़ सकते हैं। स्लेज हेमर ले जाके कोई फायदा नहीं, कल देखते रहिएगा लास्ट में देखिएगा कील टूट जाएगा तो आपका फिर जॉब बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसको बिल्कुल उस जगह से पूरा ही मतलब जहाँ जितना अंदर तक ठोका हुआ है गड़ा हुआ है उसको अगर अंदर से उसको निचोड़ना है तो कुल्लू हेमर का आवश्यकता होता है, क्योंकि कुल्लू हेमर के दोनों सिरे क्या होता है मतलब आपका ये रहता है बीच में स्लट बने होते हैं और उस जगह में लगाकर कील का हेड को आराम से हम निचोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको चयन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में हथौड़ा की चोट कार्यखंड की सटीकता अनुमान में मारनी चाहिए। आपको बिल्कुल कोई जॉब को अगर ठोक रहे हैं पीट रहे हैं चोट मार रहे हैं तो आपका सटीकता होना चाहिए, सही अंदाज होना चाहिए। अगर सही अंदाज नहीं है तो आप जहाँ